नमस्ते दोस्तों, पिकलिस्तान में आप सबका स्वागत है। नींबू का अचार बनाना बहुत ही आसान है, बिना ऑयल के तो सभी बना लेते हैं। बिना बीज के एकदम जूसी और टेस्टी लेमन पिकल का रेसिपी अब देख लीजिए। पहले नींबू को नमक के पानी में अच्छे से धो लेके एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अचार बनाने के लिए मैंने पूरे 20 नींबू लिए हैं। इसमें से 8 नींबू का पीसेस काट के और बाकी बचे सो 12 नींबू का जूस निकालेंगे। मैंने ज़्यादा नींबू रस निकालने के लिए इसलिए रखा ताकि अपना अचार एकदम जूसी बने। अब सीड्स को सेपरेट करके जूस मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने यहाँ लेमन स्क्वीजर लिया है। आप छन्नी का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे सीड्स एकदम से सेपरेट हो जाएंगे और हमारा लेमन जूस बिना एक भी सीड का रेडी है। अब ध्यान से देखिए बीज को सेपरेट करते हुए पीसेस कैसे काटना। सेंटर से थोड़ा हटके नींबू को लंबाई में काटना शुरू कीजिए। बीज वाला हिस्सा छोड़ते हुए लंबे लंबे पीसेस में काटिए। इससे पूरे सीड सेपरेट हो जाएंगे और बिना एक भी बीज के नींबू के पीसेस तैयार है। अब लेमन जूस में हल्दी और नमक मिलाएंगे। मैंने इंग्रेडिएंट्स का हिसाब एंड में दे दिया है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। लेमन पीसेस डाल के जूस को अच्छे से मिलाइए और एक सिरामिक या ग्लास बाउल में स्टोर कीजिए। मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिए, प्लास्टिक फिर भी चलेगा। अब देखेंगे तो नमक का एक लेयर नीचे दिखेगा, इसका मतलब नमक का क्वांटिटी ठीक है। इसे हम 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच में दिन में एक बार मिलाते रहिए। अब तीसरा दिन इसे एक बड़ा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसमें हम मिलाएंगे लाल मिर्च का पाउडर और भुना हुआ मेथी का पाउडर। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम डालेंगे फ्रेश अदरक के टुकड़े। इससे अचार का स्वाद बढ़ जाएगा और जब ये अदरक के पीसेस नींबू के रस में बनके तैयार होंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट रहेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के फिर से ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर पीसेस ऊपर दिखे तो अचार के मसाले के अंदर उन्हें पुश कर दीजिए। 3-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। चौथा या पांचवा दिन आप जब देखेंगे तो अचार का पीस एकदम नरम होके खाने के लिए तैयार है। अगर आपको इतना सॉफ्ट नहीं लग रहा तो और 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। हमारा जूसी और टेस्टी नींबू का अचार बनके तैयार है। इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए पिकलिस्तान को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।